Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं एडिटोरियल पोर्शन को, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं. जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको विद एग्जाम्पल मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा. और फ्रेंड्स, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए. वेटिंग फॉर जॉब्स, आपको पता है कि एक अग्निपथ नाम की स्कीम आई है जिसके थ्रू अग्निवीर आएंगे जो में डिफेंस फोर्सेस में, उसके ही मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं इन द वेक ऑफ का मतलब होता है हिंदी में को मद्देनज़र रखते हुए. द राइटर हैव रिटन, देखो हैव रिटन यूज़ किया मैंने, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब राइटर लिख चुका है क्योंकि हम अब देख रहे हैं उसके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, हैव रिटन दिस आर्टिकल. तो बोल रहे हैं वेटिंग फॉर जॉब्स कि जो जॉब के लिए, जॉब्स नौकरियों के लिए वेट कर रहे हैं. द सेंटर डिसीजन, सेंटर का डिसीजन, जो सेंटर अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ था, सेंटर का डिसीजन टू रिक्रूट पर्सनल इज ए नोड. नोड जैसे आप सहमति में हामी भरते हैं, सिर से ऐसे हिलाते हैं, उसको बोलते हैं नोड, सिर हिलाना या सहमति में. द सेंट्रल डिसीजन टू रिक्रूट, सेंटर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है टू रिक्रूट पर्सनल इज ए नोड टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू. नोड टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फेस्टरिंग क्या होता है, फेस्टर होता है कि गलना सड़ना, कोई चीज़ बदतर हो जाना, आप कर नहीं पा रहे हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का इशू है जो सड़ा हुआ, उसके लिए रिक्रूट करना आप डिसीजन चला गया सेंटर का. फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो मतलब बढ़ा हुआ है, जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे उसको बोलते हैं सड़ा हुआ या बढ़ा हुआ. जैसे फॉरेन नेशन, देश के लिए, दैट हैज़ हैड, ये फर्स्ट हैज आया है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड आया है जो रखना होता ना, एक बोलते हैं कि भाई मैं पेन रखता हूँ, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, तो वैसे ही ये हैव की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव हैड. तो हैड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड भी होती है. तो बोलेंगे तो फॉरेन नेशन, ऐसे देश के लिए, दैट हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के हिसाब से 15 से 59 तक लेते हैं. और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, UPPCS जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, आपका एग्ज़ाम होता है जो स्टेट PCS का यूपी का, तो उसमें ये आया हुआ था डेमोग्राफिक डिविडेंड की इंडिया में क्या है, 15 से 59. तो आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. तो सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मच लार्जर देन नॉन वर्किंग एज सेक्शन. तो ये बोल रहे हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो काम करने लायक आदमी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन. फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वॉज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया. तो ये बोल रहे हैं कि फाइंडिंग, पाना, फाइंड के साथ ing फॉर्म, फाइंडिंग मतलब पाना. प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होता है जो यूजफुल होते हैं, कोई मतलब चीज़ पैदा कर सके, जो प्रोडक्टिव काम कर सके. तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ, इसके यूथ के लिए वाज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर इंडिया. वाज टू बी तो था, वाज टू बी एन इम्पेरेटिव होता है इम्पोर्टेंट, पिवोटल, तो इम्पोर्टेंट था फॉर इंडिया. येट फिर भी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेन्ड ए मेजर कंसर्न. मेजर कंसर्न, मेजर होता है इम्पोर्टेंट रही, ज़्यादा मात्रा में कंसर्न, चिंता का इशू रहा. द लीक पीरियोडिक फोर्स सर्वे, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2018 में लीक हो गया था, वो मतलब गवर्नमेंट चाहते नहीं थे डाटा. तो रिवील्ड क्या होता है, उजागर करना. दैट इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाइएस्ट, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी, हाइएस्ट थी 6.07% इन 4 decades, 40 साल में. द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सजेस्ट करता है नंबर नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक. ड्रास्टिक मतलब बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होता है, एकदम स्वीपिंग होता है, तो ज़्यादा नहीं है अभी. पीरियोडिक लेबर सर्वे का जो सजेस्ट करता है, देखो ऐसे बात हो रही है, सजेस्ट के बाद ऐसा आया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सजेस्ट करता है, ता है, ती है, आपके जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं वैसे ही. द लेटेस्ट पीरियोडिक फोर्स सर्वे, PLFS की फुल फॉर्म है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, suggest that the number now are not so drastic, with the overall unemployment rate at 4.2% in 2022-21.
तो मतलब 2020 से 21 में 4.2 है, कंपेयर टू दी 4.8 इन 2019-20 में 4.8 थी, अब वो 4.2 हो गई है। द लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट इन इंक्रीजिंग टू 41.6 अप फ्रॉम 41% इन 2019-20। मतलब इसमें डाटा कंपेयर किया गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब कितने आदमी को काम मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 41.6 हो रहा है एज कम्पेयर टू दी 40% दैट वॉज इन दी इन द ईयर ऑफ 2019-20। तो इन टर्म्स ऑफ द मोर इन टर्म्स ऑफ मोर वाइडली यूज स्टैटिक इंटरनेशनली इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ द मोर वाइडली यूज स्टैटिस्टिक इंटरनेशनली, जो मोर वाइडली बहुत ज़्यादा आमतौर पर यूज होती है स्टैटिक्स जो होता है डाटे जो होते हैं डाटा होता है इंटरनेशनली यूज होती है। द करंट वीकली स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे वीकली देखा जाता है कि कितने आदमी सप्ताह में बेरोजगार हैं। द फिगर ऑफ 7.5% फॉर ऑल पर्सन इन 2022-21 इज स्टिल वरिंग। तो मतलब साप्ताहिक बेरोजगारी देखें तो 7.5 है जो कि बहुत वरिंग स्टिल वरिंग चिंता देने की बात है। बट द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट ए डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहे हैं कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर ज़्यादा खुशी नहीं लेके आया जो टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट होता है किसके बावजूद ए डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीजमेंट हुआ बट ज़्यादा खुशी नहीं लेके आया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा दिस इज बिकॉज द डिक्रीज सेज दैट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हैज सो कंसाइडेड विद द ट्रांसफर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन टू लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स। तो इसमें बोला राइटर कि डिस्पाइट इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट में तो डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा ऑफिशियल डाटा के हिसाब से दिस इज आगे क्या है दिस इज बिकॉज द डिक्रीज ये किस लिए है कि डिक्रीज हुआ है सेज द डिक्रीज कहती है जो घटाव हुआ वो कहता है क्या कहता है सेज द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हैज ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टू लोअर प्रोडक्टिव अनपेड जॉब्स। तो ये बोल रहे हैं कि पीरियडिक लेबर सर्वे ने कहा कि भाई जो अनप्रोडक्टिव जॉब कर रहे हैं आदमी अनप्रोडक्टिव मतलब जहाँ से कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और या इनटू लोअर प्रोडक्टिव ज़्यादा कम पैसे मिल रहे हैं मतलब 2,000-3,000 रुपये मिल रहे हैं अनपेड जॉब है जिसमें मतलब पैसे भी नहीं मिल रहे अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो मतलब सैलरी एम्प्लॉयड से दूर हैं बट काम में लगे हुए हैं कम पैसे मिल रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट है लोअर प्रोडक्टिव है वरिंगली मतलब चिंता की बात है इंडस्ट्रियल जॉब हैव डिक्रीज विद द मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड। तो ये बात कह रहे हैं कि चिंता की बात है इंडस्ट्रियल जॉब है जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियों में जॉब हैव डिक्रीज हुई है विद मोर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स। तो बोल रहे हैं कि फार्म रिलेटेड जॉब्स हैं बड़ी हैं खेतों से जो रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने इंडिया की 49% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। तो 49% जो एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे जो अलाइड सर्विसेज हैं उसमें ही इन्वॉल्व है। तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ तो ग्रोथ हुआ है और वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज्ड मतलब दिखते नहीं है चार आदमियों का काम है उसी काम को 10 आदमी कर रहे हैं उसको डिसगाइज्ड मतलब छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जो भी बता दिया मैंने कि यहाँ पे वरिंगली चिंता की बात है कि इंडस्ट्रियल जॉब हैव डिक्रीज विद मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स ए ट्रेंड दैट एक्सेलरेटेड फॉलोइंग द लॉकडाउन। ट्रेंड चला रहा है मतलब एक नीति चली आ रही है एक्सेलरेटेड फॉलोइंग द लॉकडाउन एंड has not reversed since then उससे reverse then मतलब उससे के टाइम से वापस नहीं हुई है वो acceleration चल रहा है स्पीड बढ़ रही है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की लॉकडाउन के बाद की और नेट हैव नॉट रिवर्स देन मतलब उससे वापस नहीं आई है सिंस देन जब से ही सिंस देन का मतलब होता है जब से ही। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड अबोव सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो 12th किए हुए हैं 9% हैं वो जो तो उनमें एजुकेशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द यूथ जो हैं 15-29 या उनमें 12.9 हैव ओनली डिक्लाइन मार्जिनली मतलब बिल्कुल कम डिफरेंस हुआ है। वेज रेट हैव कंटिन्यू टू रिमेन लोअर वेज रेट मतलब मेहनताना कमाई है जो बिल्कुल लोअर रहे फॉर दोज एम्प्लॉयड इन आइदर सैलरीड जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक पीरियड जो महामारी से पहले कमाई हो रही थी उससे कम हो रही है विद द इंक्रीज बींग मार्जिनल इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पेंडेमिक। राइटर बोल रहा है कि विद द इंक्रीज जो इंक्रीज हो रहा है बींग मार्जिनल इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ पेंडेमिक लॉकडाउन के द्वारा ड्रिव किए जा रहे हैं मतलब ड्रिवन ड्राइव की थर्ड फॉर्म आई हुई है यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन के द्वारा डे को धक्का दिया जा रहा है उनसे क्या है
बहुत कम बढ़ा उनमें विद द इंक्रीज बिंग मार्जिनल, बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी है फॉलोइंग लॉकडाउन। इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल होता है किसी चीज़ को रिजोल्वमेंट करना, टैकल करना। यू हैव टू, जैसे हम कैसे बोलते हैं कन्वर्सेशन में, यू हैव टू टैकल द इशू, अदरवाइज इट वुड बी ए डेट्रीमेंटल इशू फॉर यू। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। तो ऐसे ही इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना चाहिए कॉन्कोमिटेंटली। कॉन्कोमिटेंटली का मतलब होता है साइमेंटेनियसली, एक साथ में। द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू ऑन ए वार फूटिंग, वार फूटिंग मतलब जैसे लड़ाई छिड़ी हुई है, बस ये एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, वैसे ही इस चीज़ को रिजोल्व करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस चीज़ के मैटर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट दैट गवर्नमेंट विल बी रिक्रूटिंग 10 लाख पर्सनल विद इन द 18 मंथ। वैकेंसी किसमें, रेलवे सेक्टर में, आर्म फोर्सेज में, जीएसटी डिपार्टमेंट्स में, अदर में, शुड बी सीन एज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको एज ए राइट डायरेक्शन में स्टेप देखना चाहिए। एंड द लास्ट डाटा शोड दैट देर वर 8.86 लाख वैकेंट जॉब्स अमंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट एज ऑफ मार्च 2020। तो बोल रहे हैं इसको शुड बी सीन, शुड क्या होता है, चाहिए, बी सीन, इसको ऐसे देखना चाहिए एज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द लेटेस्ट डाटा जो उसने क्या दिखा, शोड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, शोड दैट देर वॉज 8.86 लाख वैकेंट जॉब्स, 8.86 लाख वैकेंट जॉब्स थी अमंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन पोस्ट हैं एज मार्च ऑफ 2020। मिस्टर मोदी अनाउंसमेंट वॉज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब्स। मोदी की कोई मतलब अनाउंसमेंट ऐसे नहीं कि जो लार्ज। द फर्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, क्रूशियल, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे है, लाइक स्टूडेंट की लाइफ के इम्पेरेटिव क्या है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इम्पेरेटिव क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश, तो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव, इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव मतलब बहुत महत्वपूर्ण है टू लर्न इंग्लिश नाउडेज, टू लर्न इंग्लिश नाउडेज। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बताता हूँ। अब सेकेंड है कॉन्कोमिटेंटली, कॉन्कोमिटेंटली का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ में कोई काम होना, कॉन्कोमिटेंटली एक साथ में कई काम हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंटली। तो समन्वित रूप से मतलब कोई काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको एज एडवर्ब मतलब ये काम कैसे हो रहा है, कॉन्कोमिटेंटली हो रहा है, साथ साथ में हो रहे हैं। तो द टास्क, एग्जाम्पल ऐसे यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, ऐसे ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। द टास्क वॉज डन कॉन्कोमिटेंटली मतलब साथ साथ में किया गया, समन्वित रूप में किया गया, उसमें सामंजस्य था। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट होता है किसी चीज़ को सुधार लाना, सुधार लाना। मान लो कोई किसी चीज़ की दशा खराब, उसमें सुधार लेके आना, टू मेक बेटर एंड मोर टॉलरेबल मेडिसिन, मेडिसिन के लिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि नाउ गवर्नमेंट कम अप विद पॉलिसीज टू एमिलियोरेट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस